2020 तो जैसे कैसे बीत ही गया, लेकिन 2021 में टेक्नोलॉजी में कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं और शायद आपके हाथों में जो फोन है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बदल जाएगा। और ऐसा ही एक फोन आज मैं आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे जिस फोन की बात करने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट डिजाइन के लिहाज से दूसरे फोन से एकदम अलग है। वैसे तो एक फोल्डेबल फोन ही है, लेकिन फोल्डेबल फोन्स में भी फ्यूचरिस्टिक फोन है। इसको ऐसे समझिए कि इसका साइज जो है वो एक क्रेडिट कार्ड के जितना है, यानी करीब 3.5 इंच का। दैट्स हाउ कॉम्पैक्ट अ स्मार्टफोन कैन गेट। पहले आप ये फोन देख लीजिए और फिर इसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा। तो ये जो फोन अभी आपने देखा, ये कॉन्सेप्ट डिजाइन ओप्पो ने शोकेस किया है। वैसे ओप्पो ने कुछ दिनों पहले रोलेबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन भी दिखाया था, लेकिन ये जो फोन है ये एकदम अलग है क्योंकि ये ट्रिपल हिंज फोल्डेबल सिस्टम पर बेस्ड है। अब ये ट्रिपल हिंज सिस्टम क्या है? वेल, ट्रिपल सिस्टम का मतलब है कि ये फोन तीन जगह से, या कहें कि तीन सेक्शंस में फोल्ड हो सकता है, और इसी वजह से क्रेडिट कार्ड से भी छोटा लगता है। और ये अब तक का सबसे पहला फोन होगा जो इस ट्रिपल हिंज फोल्डेबल सिस्टम पर बेस्ड होगा। इस फोन को ओप्पो ने जैपनीज डिजाइन स्टूडियो नेंडो के साथ कोलेब्रेशन करके डिजाइन किया है और इसमें सभी लेटेस्ट फीचर्स भी दिए जाएंगे। ये फोन इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसकी डिस्प्ले एक आम स्मार्टफोन से बड़ी हो जाएगी, यानी इसमें ओवरऑल 7 इंच की डिस्प्ले आपको मिलेगी। बेजल्स तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, या कहें कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो देखने में तो स्क्रीन एकदम जबरदस्त लगती है, पर जो डिस्प्ले की विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम है। इस फोन का एक और फीचर है जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और वो ये है कि इस फोन को 3 डिस्प्ले साइजेस में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फोन को एक बार अनफोल्ड करेंगे तो आपके सामने 1.5 इंच की स्क्रीन आएगी। इस पर आप फोन के बेसिक फंक्शंस यूज कर पाएंगे, जैसे कि आप कॉल चेक कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं, नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही SMS और WhatsApp मैसेजेस भी देख सकते हैं। जब आप इस फोन को सेकंड टाइम अनफोल्ड करेंगे तो आपके सामने होगी 3.1 इंच की स्क्रीन जो एक फुल फ्लेज्ड डिस्प्ले की तरह फंक्शन करेगी। इस पर आप कैमरा यूज कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और दूसरे फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हैं। और जब ये फोन फुली अनफोल्ड हो जाता है तो आप इसकी फुल 7 इंच डिस्प्ले को यूज कर पाएंगे, गेम्स खेल सकते हैं, यहाँ पर वीडियोज देख सकते हैं और साथ ही मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। वैसे इसमें 3-विंडो मल्टीटास्किंग दिखाई गई है, जिससे लगता है कि आप 7 इंच के डिस्प्ले पर 3 टास्क या फिर 3 ऐप्स अलग अलग ओपन कर पाएंगे एक ही वक्त में। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो होगा स्टाइलस, जो इस फोन के साथ आएगा। जैसे आपको Samsung Note सीरीज में मिलता है, स्टाइलस की हेल्प से आप डिस्प्ले पर स्क्रिबल कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आई थिंक फोटोज और वीडियोज भी कैप्चर कर सकते हैं। फोन में 4 कैमरे दिखाए गए हैं, या तो ये 3 सेंसर्स और एक LED फ्लैश लाइट है, या फिर क्वाड कैमरा सेटअप ही है। साइड में कई सारे बटन यहाँ पर दिखाए गए हैं, प्ले और स्टॉप के लिए अलग से बटन है, म्यूट के लिए अलग बटन है, ऐसे ही राइट साइड में वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और शटर बटन भी है। कुछ तो बटन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड फोल्ड को रोकने के लिए भी। इसके अलावा इस फोन को आप चार्जिंग डॉक के थ्रू चार्ज कर सकते हैं और ये 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। दिखने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग फोन लग रहा है, लेकिन अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट डिजाइन है। ओप्पो इस पर कब काम करेगा और ये फोन कब आएगा, इस पर अभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, लेकिन जैसे जैसे कंपनियां कॉन्सेप्ट डिजाइन लेकर आ रही है उससे तो यही लगता है कि अब स्मार्टफोन्स में काफी कुछ बदलने वाला है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का फोन आने शुरू हो जाए तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे? या मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप देखते रहें टेक टॉक।